तरक नाम का एक आयुर्वेद का ग्रंथ है, उसमें एक अध्याय है जनपदोध्वंस। जब राजा और प्रजा अधर्म करने लगती है तो परिणाम ये होता है कि प्रकृति अपना स्वरूप बदल देती है। अब यही देश में हो रहा है, इस देश की प्रकृति अपना स्वरूप बदल चुकी है कि हमारे जनता जो है 12 साल के बाद आती है कुंभ पर्व। ये मेरा नहीं है, ये पर्व है। तो यहाँ पर सरकार को इनकी सेवा का पूरा प्रबंध करना पड़ेगा, इससे वो अपने आप को अपना पीछा नहीं छुड़ा सकते कि लोगों को प्रोत्साहित करें, मनुष्य अपनी जांच कराए, ये कोई जरूरी नहीं। जब रूप से ये घोषणा की थी कि ये भूमि अब सरकारी संपत्ति हो चुकी है, यदि धर्माचारी चाहेंगे तो उनको राम मंदिर के लिए दी जा सकती है, तो उसमें एक ट्रस्ट बना जिसमें चारों शंकराचार्य थे, 13 अखाड़े थे और अच्छे अच्छे लोग उसमें सम्मिलित थे। तो वो प्रतीक्षा कर रहा था कि जैसे ये अदालत से निकलता है विवाद तो हम यहाँ पर अपना मंदिर बनाएंगे सनातन धर्म के अनुसार। परंतु आरएसएस के ही लोगों को इकट्ठा कर दिया और ट्रस्ट का की अवहेलना कर दी, यहाँ तक कि उसने ऐसे लोगों को रखा जो कि हमारे धर्म सनातन धर्म में माने ही नहीं जा रहे हैं। जैसे उदाहरण के लिए वासुदेवानंद, जो सुप्रीम कोर्ट तक कहती है कि शंकराचार्य नहीं है, उसको उन्होंने उसका एक मेंबर बना दिया। इसी तरह से जितने लोग हैं सब आरएसएस के लोग हैं, तो आरएसएस कहाँ धर्म को मानता है? ये तो वेद को भी नहीं मानते। वो कहते हैं हिंदुओं का प्रतीक वेद नहीं है, भगवा है। तो जो वेद को नहीं मानता वो मंदिर कैसे मानेगा?